या एंजल ट्रेनिंग लेने वाले हैं, या जो लोग थर्ड आई एक्टिवेट करवा रहे हैं, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं, या स्पिरिट एनिमल के कोर्स कर रहे हैं, उन सभी लोगों को एक बात जानना बहुत जरूरी है कि जब ये हीलिंग होती है और ट्रेनिंग होती है, एक्टिवेशन होता है, तो उस दौरान आपकी जो नेगेटिविटी है वो पूरी तरीके से रिमूव हो रही होती है, यानी कि आपके सरफेस पे आती है। तो कई चीज़ें चेंज होती हैं आपके माइंड में, आपके थॉट में चेंज होती हैं, आपके इमोशंस में चेंज होते हैं, आपकी बॉडी में चेंज होते हैं। तो उस दौरान आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बहुत लोग कॉल करके घबरा के पूछना शुरू कर देते हैं, डरने लग जाते हैं कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति को जब जागृत किया जाता है तो उस समय भी हमारी कुंडली शक्ति एक्टिवेट हो रही होती है, यानी रूट चक्र से शक्ति उठकर ब्रह्म चक्र तक जाती है। हमारे सारे चक्रों में बहुत पहुंच पहुंच होती है, और कई बार बहुत ज़्यादा हमें डर भी होता है, या बहुत कोई पेन होता है, स्पाइन में पेन होने लग जाता है, तो हम डर जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, इस तरह की फीलिंग्स आने लगती है। तो उन सारे हीलर्स जो बिगनिंग अवस्था में हैं, यानी कि जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट लेवल किया है और अलग अलग कोर्स इस तरह के कर रहे हैं, तो उनको किसी न किसी तरह की इस तरह की चीज़ें होंगी, उनके साथ चेंजेस होंगी। तो घबराए नहीं, क्यों? क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है कि वो होना है, ये होगा तभी आप वो आपके साथ होगा। क्योंकि देखिए, एक तो मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूँ, जिस एग्जांपल से आप समझ पाएंगे कि छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आप अपने एक छोटे से कमरे को देखिए, आपने कमरे के अंदर जितनी भी वस्तुएं रखी हुई हैं, बेड है, चेयर है, या मान लीजिए ऑफिस का कमरा है, तो ऑफिस में आपके टेबल है, चेयर्स हैं, या आपकी चेयर है, और उसके अंदर कुछ और दूसरी वस्तुएं रखी हुई। आपने मान लीजिए कि सब कुछ सेट करके अच्छी तरीके से लगा दिया है, और 6 महीने बाद आपने उस कमरे के अंदर कोई भी एक वस्तु हटाई, चलिए हटा दिया, या कोई नई वस्तु ले आके रख दिया उस कमरे के अंदर, तो क्या होगा? जे एक तो 6 महीने से कोई चीज़ एक जैसी पड़ी हुई है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है, सब कुछ एज इट इज सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। लेकिन कोई एक दूसरी चीज़ बाहर से खरीद के लाते हैं और उस ऑफिस में या उस बेडरूम में रखते हैं, तो जैसे रखेंगे तो जो कमरे के अंदर का पूरा सिस्टम है चेंज होगा, यानी कि उस वस्तु के लाके रखने से दूसरी वस्तु को हटाना पड़ेगा, तीसरी वस्तु को दूसरी जगह हटाना पड़ेगा, वो शिफ्टिंग चेंज होने लग जाएगी, तो सारी वस्तुओं के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। उसी तरह से जब आप हीलिंग फील्ड में आते हैं, यानी कि हीलिंग कराते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं किसी भी चीज़ की, रेकी या एंजल, किसी भी चीज़ की सीखते हैं, तो उस समय आपके सेल्स में चेंज जाते हैं, थॉट में चेंज जाते हैं, इमोशन में चेंज जाते हैं, ऑर्गन्स में चेंज आएंगे, चक्रा इम्बैलेंस होंगे, बैलेंस होंगे, डिस्टर्ब भी होंगे, तो ये पूरा सब कुछ सिस्टम चेंज होगा और आपके सोचने का नज़रिया चेंज होगा। तो कई बार ये होता है कि आप बहुत शांत शांत रहते थे, लेकिन जब आपने ट्रेनिंग ली या एक्टिवेशन कराया, थर्ड आई एक्टिवेट करवाई या कुंडलिनी शक्ति जागृत करवाई, तो एकदम से आपको गुस्सा आने लगा, या आप अचानक ही इरिटेट हो गए, या आप डर के चले गए, आपके बुरे बुरे ख्वाब आने लगे और आपसे उल्टे सीधे काम होने लग गए, या हो सकता है कि आप बहुत शुद्ध सात्विक थे, वो नशा नशा पत्ती करने लग गए, शिकार हो गए ऐसे, और आपको ढेर सारे उल्टे सीधे कलर दिखाई देने लग गए, और सपने में डरावने सपने आने लगे, ये भी हो सकता है। और दूसरी तरफ जस्ट इसके अपोजिट भी हो सकता है कि आप बहुत नशीले पदार्थों का सेवन करते थे, मांस का सेवन करते थे, गुटखा पान मसाला सेवन करते थे, शराब, वो आप जैसे ही एक्टिवेशन कराए ये सब कुछ छूट जाएगा।
पॉजिटिव चेंज भी होंगे, नेगेटिव चेंज भी होंगे, यानी कि अच्छी चीजें भी आ सकती हैं, बुरी चीजें भी आ सकती हैं। और हो सकता है कि आप नॉर्मल से ज़्यादा खाना खाने लग जाएं, आपकी भूख बढ़ जाए, और यह हो सकता है कि आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है कि वेट लॉस होना शुरू हो जाए, या आपकी भूख कम हो जाए, या आप बिल्कुल ही सो ना पाए, यानी कि आपको नींद आना कम हो जाए, या ज़्यादा नींद आने लग जाए, ज़्यादा पानी पीने लग सकते हैं, या कम पानी पीने लग सकते हैं। इनमें से कुछ भी चेंज होगा, राइट? ये सारी चेंजेस जब हो तो आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है, कंटिन्यू अपने ट्रेनर के सानिध्य में रहना है, संपर्क में रहना है, ट्रेनर से पूछते रहना है, बताते रहना है। ट्रेनर जैसा जैसा आपको गाइड करेगा वैसा वैसा आपको करते जाना है। गाइड क्या करेगा कि आप नॉर्मल रहो, थोड़ा पानी ज़्यादा पियो, अगर आपको नींद ज़्यादा आ रही है तो सो, ज़्यादा भूख लग रही है तो खाओ, कम भूख लग रही है तो कम खाओ, या आप नशे पा अगर आपका ध्यान नशीले पदार्थों के सेवन की तरफ जा रहा है तो आप खाओ मत, बड़ा जरा सा कुछ खा लो लेकिन छोड़ दो, मतलब कंट्रोल करो। तमाम बातें हैं जो गाइड करेगा इस तरह से। और हो सकता है कई बार आपकी पेन कोई बढ़ जाए, स्पाइन में पेन बढ़ जाए, हेडेक हो जाए, या आपकी आपके सिर में दर्द हो जाए, या बॉडी के किसी दूसरे ऑर्गन्स में पेन हो जाए, किसी हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाए, तमाम तरीके के चेंजेस आ जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे इमोशनल लेवल पर हमने बरसों से पास्ट लाइफ से ढेर सारे कर्मा किए हैं, गुस्सा, अशांति, चिंता, वो सब हमारे अंदर स्टोर है कर्मा के हिसाब से, लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से, राइट? और मेंटल लेवल पर थॉट्स हमारे बहुत होंच पोंच के रहे हैं, कभी पास्ट लाइफ की चीज़ें हमारे अंदर स्टोर हैं, हमारे संस्कारों के अकाउंट में स्टोर हैं, हमारे थॉट के कर्मा, इमोशन के कर्मा, फिजिकल कर्मा, हर तरह के कर्मा हमारे संस्कार रूपी अकाउंट में स्टोर हैं। अब जब हम हीलिंग करते हैं तो हीलिंग चूंकि डिवाइन एनर्जी है, प्योर एनर्जी है, डिवाइन सोल्स हमारी हील करते हैं, तो कर्मा के ऊपर काम होता है, राइट? कर्मा हमारा रिमूव हो रहा होता है, तो अब हमारे बॉडी के अंदर से निकलना है, उसको जो कचरा जमा है, गंदगी जमा है, वो सब बाहर निकलना है। तो हमारे थॉट में, हमारे इमोशन में, हमारे फिजिकल बॉडी में चेंजेस होंगे जब वो निकलेंगी सारी चीज़ें। तो जब चेंज होंगी तो पेन के माध्यम से चेंज हो सकता है, या तेज चिल्लाना, गुस्सा करना, रोना, चिल्लाना, इस तरह की आवाज़ भी आप से होने लग सकती हैं। तो किसी भी किसी तरह से वो जो अंदर का कचरा, गंदगी, सब बकवास चीज़ें होती हैं, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं, जो आपको नहीं चाहिए, वो सब रिमूव हो रहे थे, सरफेस पे आती हैं, तो आपसे वो एक्टिविटी होने लग जाएगी, नेचुरल है। तो उस एक्टिविटी में आपको घबराना नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है, रिलैक्स रहना है, शांत रहना है, और ज़्यादा शांत रहना है, फिर ध्यान में बैठ जाइए और अपनी सांसों पे ध्यान लगा के कंटिन्यू जीभ को तालू में चिपका के सांसों पे ध्यान लगा के बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए, आँखें बंद कर लीजिए और लंबी गहरी सांस लीजिए, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितनी देर भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, दिन भर में जितनी बार आप कर सकते हैं उतना करिए। डीप ब्रीदिंग करिए, जीभ को तालू लगा के शांत बैठिए। क्यों? आप उस समय कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करने से बचें, नहीं तो और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। शांत रहेंगे, डीप ब्रीदिंग लेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, थोड़ा जंपिंग करेंगे, रिलैक्स होंगे तो बॉडी भी रिलैक्स होगी, रिमूव होगी, राइट? और एक्सरसाइज थोड़ा करेंगे इस तरह से, पूरे शरीर को जंपिंग 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 जंपिंग, तो पूरे बॉडी से वो सारी एनर्जी निकलेगी, ठीक है? और कुछ गेम में अपना ध्यान लगाइए, ताकि पजल्स सॉल्व करिए, जिससे कि माइंड एक्टिवेट होगा उस समय और उसको ज़रूरत पड़ती है। इमोशनल लेवल पर आप जब शांत होंगे तो आपके इमोशन शांत होंगे, राइट? और एक्सप्रेस करिए, पिलो ले लीजिए, पिलो रख लीजिए, पिलो से एक्सप्रेस करें जो बातें आप बोलना चाहते हैं किसी से, गुस्से में या प्यार से, तो उस व्यक्ति को विजुलाइज करिए, पिलो रख लीजिए सामने और उससे सब बोल दीजिए, निकल जाए आपके भीतर की सारी बातें निकल जाए, या अपने ट्रेनर से बोल दीजिए।
कुछ भी नहीं, जैसे शाम के काम कमरे में बैठ जाइए, पिलो ले लीजिए, लेट जाइए या बैठ जाइए, पिलो लेकर अपनी सारी बातें उससे बोल दीजिए, जिससे रिमूव हो जाए, अंदर से निकलने के लिए बेचैन है वो सारी बातें। किसी किसी के लिए गुस्सा आ रही है बहुत तेज, तो पिलो के ऊपर मार दीजिए तेज 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 गुस्से में, जैसे कि सामने व्यक्ति हो, उसको बोलकर विजुलाइज करके कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। गाली देने का मन हो तो बस शॉर्ट में एक दो गाली दे सकते हैं, ठीक है। चिल्लाना है थोड़ा बहुत, चिल्ला लीजिए बंद कमरे में, उस समय पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, क्योंकि आपके बॉडी से वाटर ड्रेन रहता है, मतलब बहुत चीज़ें हैं दोस्तों। तो जो लोग इस तरह की प्रॉब्लम में आते हैं, मतलब इस तरह की सिचुएशन में आते हैं, ये उनके लिए स्पेशली है। तो हम कई लोगों के सवाल आ रहे थे, जिनको भी हम ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो लोग इस तरह के सवाल करते हैं। तो ये वीडियो आप देखिए, आपके सारे सवालों के जवाब इसमें मिल जाएंगे, तो आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा। आप भी परेशान नहीं होंगे और हम भी परेशान नहीं होंगे कि हमारे पास कॉल आ रही है और हमें आपको टाइम से जवाब देना चाहिए, लेकिन कई बार आपको वेट करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो उससे अच्छा है कि ये वीडियो आप देख लीजिए, वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे इजिली। और इसको फॉलो कीजिए, घबराइए नहीं, राइट, और आगे बढ़िए, रुक मत जाइए। बहुत लोग ऐसा भी होता कि इन किसी के साथ इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं तो वो सोचते हैं कि हमने रेकी सीखी है, एंजल थेरेपी सीखी है या थर्ड आई एक्टिवेशन करवाया है, तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमारा फायदा ही फायदा होना चाहिए, या रोग मेरे को नहीं होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो मैं स्वस्थ हो जाना चाहिए, तो स्वस्थ ही हो जाना चाहिए, वो ये मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ चेंज होती है तो धीरे धीरे बैलेंस होती है, पहले अप होता है, डाउन होता है, अप डाउन करते करते बैलेंस होता है, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि अच्छी अच्छी सड़कें, नई नई सड़कें, मजबूत सड़कें तोड़ के मेट्रो बनाई जा रही है, तो क्या सड़कें तोड़ी गई तो तुरंत मेट्रो तैयार हो गया? नहीं, काफ़ी टाइम लगा मेट्रो बनने में, या पुल कंस्ट्रक्शन हुआ तो पुल बनने में टाइम लगा, तो अच्छी अच्छी सड़कें तोड़ दी गई, तो आने जाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन इस उम्मीद पर कि एक टाइम पर पुल बन जाएगा, ब्रिज बन जाएगा और या मेट्रो बन जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है सब्र के साथ में। अगर हम घबराएंगे, चिल्लाएंगे, दौड़ेंगे और बिल्कुल गुस्सा करेंगे तो हमारे टाइम से नहीं हो जाएगा, अपने टाइम से सारी चीज़ें होंगी, राइट। तो अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करते हुए देखिए और एक्टिवेट कराइए, अपने सारे चक्रों को एक्टिवेट कीजिए, हील करिए, जितना भी करेंगे, ध्यान साधना करेंगे, आप और ज़्यादा एक्टिवेट होंगे और आपकी शक्तियाँ जागृत होंगी, तो आप और यंग होते चले जाएंगे, राइट, आप और ज़्यादा यंग होते चले जाएंगे, स्मार्टनेस आपकी बढ़ती चली जाएगी, आपके शब्द बहुत ही सॉलिड शब्द हो जाएंगे, आपके थॉट्स सॉलिड हो जाएंगे, डिसीजन पावर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके कार्यों से आपको धन भी ज़्यादा आने लग जाएगा और आप लोगों के लिए मार्गदर्शक बन जाएंगे। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी प्रॉब्लम, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। और वीडियो को शेयर करते रहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हमारी वीडियो से ढेर सारे फायदे उठा रहे हैं, सीख रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ये हमारे लिए गुरु दक्षिणा होगी, राइट, क्योंकि आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें आप तक पहुँचाई जा रही हैं, आपको मिल रही हैं, आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, सीख रहे हैं, एक गुरु से सीख रहे हैं। तो गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए उसकी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सजेस्ट कीजिए लोगों को, ठीक है, ताकि गुरु को उसकी गुरु दक्षिणा मिल जाए। बस, थैंक यू।